अरे भगवान भाई, ये मेरी लाइफ की सबसे ब्यूटीफुल और बेस्ट रेलवे जर्नी है यार। ऐसे मेरी लाइफ की बेस्ट जर्नी है, बेस्ट 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 जर्नी है कसम से। आई एकदम से स्टोरी देखी मैंने आपकी और मैंने आपको मैसेज किया, आप कहाँ हो भाई? क्या कोइंसिडेंस है यार, मतलब यार मजा आ गया यार। हमारी ग्वालियर साबरमती एक्सप्रेस आ गई है, इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव है गाइस। स्वागत है आप सबका मेरे नए व्लॉग में। आज भैया हम आए हैं कोटा जंक्शन और व्लॉग की स्टार्टिंग ही कोटा जंक्शन से हो रही है। हम जा रहे हैं भैया अभी जयपुर और जयपुर के बाद में हम कहाँ जाएंगे वो आगे रास्ते में बताते हैं। हमारी ट्रेन है 5:20 पर झालावाड़ से जाने वाली श्रीगंगानगर 22981 श्रीगंगानगर सुपरफास्ट एक्सप्रेस जो प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर आने वाली है। अभी जा रहे हैं जयपुर और जयपुर से हमारी रात को 2 ट्रेन होने वाली है मारवाड़ जंक्शन के लिए। मैं हूँ लकी भाई और मोंटी है। पहले तो केशव का प्लान था बट केशव का एंड टाइम पे उसके घर वालों ने कैंसिल कर दिया और हमें जाना पड़ रहा है, मतलब केशव की जगह पर फिर हमने मोंटी को फिक्स कर लिया। मोंटी चला जाएगा, टिकट केशव के नाम पे है बट मोंटी उसकी जगह पे जाएगा। सामने से भी हम सफर एक्सप्रेस निकल रही, देखो ये दिल्ली से वहाँ जा रही है अहमदाबाद और इसका भी टाइम देखो कितना है, 4:57 पर ये कोटा पहुँची है। बहुत जल्दी आ गई हमारी ट्रेन, मैंने तो सोचा था कोई और ट्रेन आ रही है। हमारे तो ये है 25, 26 और 1 32 तो 32 पे तो हमने तीनों बैग पहुंचा दिए और हम तो बस यहीं बैठेंगे क्योंकि अभी तो स्लीपर का क्या ही करेंगे सो के। हमें देहरादून कोटा नंदा देवी एक्सप्रेस क्रॉस कर रही है। जिन लोगों को नहीं पता मैं बता दूं, नंदा देवी एक हिमालय की चोटी का नाम है, सबसे ऊंची चोटियों में से एक है नंदा देवी हिमालय की। फिर बाद अभी हमारा अभी डिपार्चर है बट अभी तो ये इसका डिपार्चर देखो तुम लोग, पेट्रोल भर कर ले जाती है मेरे दोस्त की ट्रेन। डिपार्चर रिकॉर्ड करना था तो मैं गेट पे आ गया। भाई कहीं भी चढ़ जाओ, कहीं भी चढ़ जाओ, क्यों यहाँ क्यों चढ़ जाएगा एकदम से? भाग भाई भाग भाग मेरे मिलका, ये भाग। कोटा रेलवे स्टेशन का भी रिनोवेशन भी चल रहा है जो कि 2025 तक इतना अच्छा हो जाएगा जैसा कि प्रोजेक्टेड है, मतलब जैसा इन्होंने अनुमान लगाया हुआ है, काफ़ी अच्छा है वो। एक्सप्रेस अब यहाँ से लग रही है क्योंकि इसका टाइम ही 5:55 का था और अपने से इसने क्रॉसिंग ली थी वहाँ के लिए और ये सुबह 5:20 पर आपको देहरादून उतार देगी। ये बयाना भरतपुर होते हुए, मतलब सवाई माधोपुर से बयाना भरतपुर, हजरत निजामुद्दीन होते हुए हरिद्वार से आपको ये देहरादून ले जाएगी। और ये हमारा ट्रेन चेंज, चंबल रिवर एवरग्रीन रिवर ऑफ राजस्थान। ये शाम और चंबल नदी भाई, गजब क्या ही नजारा है, गजब। पर मॉनसून के हिसाब से इसमें भी पानी कम लग रहा है थोड़ा सा। जैसा कि आप देख सकते हो हमारी ट्रेन 124 किलोमीटर/आवर की स्पीड पे चल रही है भाई, इसकी मैक्सिमम स्पीड के बिल्कुल करीबन है 130। हाँ हर एक इंडिया में अलावा सिर्फ 130 तो 124 तक चल रही है, 126 पहुँच रही है देखो, 27 30 तो भाई सही है यार।
अच्छा खासा डिस्टेंस कवर कर रही है बहुत से। गाइस लाखेरी आ गया अब, लाखेरी रेलवे स्टेशन। आज तो काफी ज्यादा रश भी लग रहा है यार। तो भाई लाखेरी का ऐसा है कि लाखेरी की ईटे बहुत फेमस है। अभी एक भैया थे जो डिपार्ट करके गए यहाँ से, और एशिया का जो सबसे पहला जो सीमेंट इंडस्ट्री है वो भी यही है लाखेरी में, क्लिक एंड निक्सन नाम से। अभी तो अडानी की हो गई, 1917 में एस्टेब्लिश हुई थी। बिल्कुल सुनसान रेलवे स्टेशन है, ज्यादा पॉपुलेशन है नहीं यहाँ की, 40,000 से 45,000 के समथिंग बता के गए थे भैया। लोकली थे वो यहाँ के, वो बूंदी से आए थे और अब यहाँ पर उतर गए। यहाँ पे होल्ट भी नहीं हमारा ज्यादा, अभी थोड़ी देर बाद ही चल जाएगी ट्रेन। पंक दे दिया भैया ट्रेन ने फिर से, अब चल रहा है मन। वैसे डेवलपमेंट तो हो रहा है धीरे धीरे लाखेरी का, रेलवे स्टेशन का भी देखो काम चल रहा है ये तो हो जाएगा। ये हमारा डिपार्चर हो गया यहाँ से। ओ नहीं यार, ये हमारी ट्रेन इंद्रगढ़ सुमेरगंज मंडी। ये जो रेलवे स्टेशन है भैया ये दोनों का है, मतलब सुमेरगंज का है भी है और इंद्रगढ़ का भी है। ये सुमेरगंज और इंद्रगढ़ थोड़े थोड़े से दूर पे बसे हुए नगर है। इंद्रगढ़ तो केशव भाई का नाने रहा है, मैं फिर से बता रहा हूँ। और मेरे जड़ूले जो थे, जड़ूलों की एक प्रोसेस होती है छोटे बच्चों के हिंदू धर्म में, जिसमें जड़ूले काटे जाते हैं, उनके फर्स्ट टाइम के जो बाल काटे जाते हैं वो, तो वो यहीं पर ही काटे गए थे मेरे। यहाँ पे माता जी का मंदिर है एक जो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, उसको घूमना चाहिए तुम लोगों को भी। मतलब वहाँ पे सीढ़ियाँ हैं, तो कभी इंद्रगढ़ आओ, सीढ़ियाँ मतलब बहुत ज़्यादा सीढ़ियाँ हैं वहाँ पे, तो लोग भगवान वगैरह भी रखते हैं। अच्छा खासा रेलवे स्टेशन है, जंक्शन नहीं है सिर्फ रेलवे स्टेशन है, एक ही लाइन जा रही है यहाँ से कोटा से सवाई माधोपुर वाली। और ये डिपार्चर यहाँ से, अरे भगवान, ओ भाई ये मेरी लाइफ की सबसे ब्यूटीफुल और बेस्ट रेलवे जर्नी है यार। केशव भाई तेने क्या मिस कर दिया यार, सच में खुश होना जिसको कह देना वो हो गया मैं भाई, सच में। सच में भाई मेरे क्या बोलूं अब, जो बोल सक मतलब जो बोलूंगा वो सुनने लायक नहीं होगा भाई। एक लाइक तो बनता है इस वीडियो को यार, एक लाइक तो बनता है सच में इस व्यू के लिए, तो दिखा रहा हूँ इसके लिए एक लाइक तो बनता है। तो भाई ये फाइनली हमारा सवाई माधोपुर आ गया। अब यहाँ पर हमारे 15 से 20 मिनट का होल्ट होने वाला है, क्योंकि लोकोमोटिव आगे से पीछे चला जाएगा ऑपोजिट डायरेक्शन में, क्योंकि जो जयपुर वाली लाइन है वो रही राइट साइड पे, आप देख सकते हो। क्योंकि यहाँ से जो एक लाइन है वो करौली साइड जा रही है, तो अगर करौली साइड जाना है तो आपका लोकोमोटिव चेंज नहीं होगा, बट अगर जयपुर साइड जा रहे हो तो 101% आपको लोकोमोटिव चेंज करना ही पड़ेगा ट्रेन का, क्योंकि डायरेक्शन ही ऑपोजिट। ऐसी मेरी लाइफ की बेस्ट जर्नी है, बेस्ट जर्नी है कसम से। मतलब यार ये मौसम में, मतलब जो नेचर ने, भगवान ने जो साथ दिया है ना भाई, गॉड इज ब्यूटीफुल, गॉड इज सो ब्यूटीफुल, हर हर महादेव। आज थोड़ी सी डल सी लग रही है शाम जैसा लग रहा है, वोल्डेमॉर्ट आने वाला है रिपोर्टर का। आगे जस्ट इधर ना पता नहीं बहुत सारे बच्चे जाने कहाँ से आ गए,
वो जो उदम मचा रहे ना, गजब उदम मचा रहे। पता नहीं उनका स्कूल उन्हें पिकनिक वगैरह पे लाया जाने क्या सिस्टम है समझ में नहीं आ रहा, बट बाहर बहुत ज्यादा डल हो रखा था इसलिए मैं फिर अंदर ही आ गया। मैंने कहा यार बाहर में से भी लाइटिंग नहीं थी, देखो ना अभी तुम यहाँ से देखो कितना डल हो रखा है, वो तो मेरा फोन को यहाँ से ब्राइटनेस मिल रही है इसलिए इतना बता देगा। और इधर की तरफ बहुत ज्यादा ये देखो इसलिए। तो मैं अंदर आ गया। अब मैं तुम्हें सवाई माधोपुर जंक्शन के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। चलो, सवाई माधोपुर जंक्शन 1905 में इनोग्रल हुआ था यहाँ पे, 1905 में इस्टेब्लिश हो गया था, और 2020 में यानी आज से सिर्फ चार साल पहले ही इलेक्ट्रीफाइड हुआ है सवाई माधोपुर। कितनी अजीब बात है ना ये। और जयपुर भी अभी शायद 2022 या 2020 में इलेक्ट्रीफाइड हुआ था। कोटा तो जबकि 1990 या 1980 में इलेक्ट्रीफाइड हो गया था। ये पकौड़ी यहाँ की फेमस है सवाई माधोपुर की, तो लाए थे लक्की का। अब हम इसको एंजॉय कर लेते हैं और अब अपना अगला स्टॉप चौथ का बरवाड़ा होने वाला है, तो चलो हम ये खा लेते हैं। टाइम हो रखा है 9:35 और हम पहुँच गए चौथ का बरवाड़ा। यहाँ पर भी एक चौथ माता का मंदिर है जो कि काफ़ी ज़्यादा फेमस है, लोग बहुत दूर दूर से भी आते हैं यहाँ पर भैया चौथ के बरवाड़े पे, बरवाड़ा बोलते हैं उसे। अच्छी जगह है आ सकते हो, और यहीं पर ही कटरीना और रणवीर को कटरीना और विकी क्वेश्चन में शादी कर दी। यहाँ पे हमारा 2 मिनट का होल्ट है और फिर यहाँ से हम फिर से रवाना हो जाएंगे। इधर ये मोंटी भाई मजे लेते हुए जिंदगी के, मतलब मोंटी का जो ट्रिप का प्लान बनाया ना ये यूँ मान लो 20 मिनट में बना होगा, बस 20 से 25 मिनट में। लक्की भाई ने फोन करा मम्मी से, पूछा मम्मी ने बोला पापा से पूछ, पापा से पूछा चल जा खत्म। ऐसे प्लान बनाया। पहले अनाउंसमेंट हुई है कि जोधपुर से चल के भोपाल जाने वाली ट्रेन आने वाली प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे, तो ये लोग जा रहे हैं उधर। मेरी लाइफ की जो मैंने सबसे रोस्ट जर्नी करी ना भाई, बेस्ट तो बताएगी वो उसी ट्रेन की होगी भाई। तुम पक जाओगे उसमें, ना ट्रेवलर्स होते मतलब ना पैसेंजर होंगे उसमें, और ना रूट कोई इतना इंटरेस्टिंग है उसका, हर कोई ट्रेन तो उसको ओवरटेक कर रही है, मज़े नहीं आते उसका, और बहुत बोरिंग सी जर्नी हो जाती है। जर्नी करी थी कोटा से लेकर जोधपुर तक की, जोधपुर भी हाँ जोधपुर बरनार जंक्शन तक की, और मैं पक ही गया था भाई, पक गया था लक्की भाई और हम दोनों थे। मैं ना मेरी एक फ्रेंड है जयपुर की, वो यहीं पे थी, मतलब सेम ट्रेन में ट्रेवल करते हैं सेम ट्रेन पर। पहले ना अब इसको बनाना मत, मेरी शक्ल अच्छी आएगी ना तभी डालना, ये कोई बात नहीं होती यार। हॉर्न दिया है बहुत ज्यादा, ट्रेन का हॉर्न नहीं है, नहीं अपनी वाली का नहीं, उधर से जो आ रही ना उसका हॉर्न है, तो शायद कोई आ रहा था उधर से। क्या टाइम है? 50 बंद हो रहा है जा रही। तो भैया अभी तो हम अभी अरे भाई अरे कंटेंट कंटेंट की भरमार भाई, ये भी ब्लॉक करती है पर ये पोस्ट नहीं करती है। चैनल का नाम अभी तो डालना स्टार्ट नहीं किया, मतलब कंटेंट स्टोर कर रखा है 20 से 25 ब्लॉग्स का, बट डाल देने सीक्रेट हम चैनल का नाम नहीं बता सकते क्योंकि वो एकदम से फ्लरिश होके आएगा। ओहो हो अरे ठीक है, हमें इंतजार है भाई। क्या कोइंसिडेंस है यार, मतलब मैं तो सोच रहा था, मैंने कहा ये पूछोगे कि कहाँ पे हो, फिर मैंने बोला ना जयपुर, तो मैंने कहा कि मिलते जयपुर में। मैं यही बोलने वाली थी, पर मेरे को ना जब आपने बोला ना कि मैं ट्रेन में हूँ तो मेरे को पता चल गया था, जब आपकी वो स्टोरी थी ना वो दूसरी वाली साइड वाली ट्रेन की, तो मेरे को पता चल गया था ये वही ट्रेन है जिसमें हम बैठे हैं और आप भी उसमें बैठे, तो मैंने इसलिए आपसे बोला कि चलो गाँव आ जाओ जल्दी से। तो भाई जैसा कि तुम लोग जानते हो, पार्थ को नलिन को मैंने अभी थोड़े दिन पहले वाले व्लॉग में बताया था, पार्थ नलिन परी जो मेरे स्टूडेंट हैं, ये उन्हीं की बहन है ये उन्हीं की बहन है, ये इसका भाई है छोटा। अब हमारा डिपार्चर हो गया भाई चौथ के बरवाड़े से, तो बहुत देर हो गई, कम से कम 20 से 25 मिनट रुक गए ना, और अभी भी हम भैया S2 कोच में, S4 से हम सीधा जा सकते हैं, S3 S4 कनेक्टेड है इसे, तो कोई लोड ही नहीं लिया हमने इस बात का। अब अंधेरे में कुछ भी नहीं दिख रहा है, इसके बाद वनस्थली निवाई और सीधा दुर्गापुरा जयपुर। ठीक भाई है ना, जय श्री राम। चलो अब अपन चलते हैं अपने S4 में, ये S3 में हम एंटर कर गए, अब S4 में जाएंगे भैया हम। हमें ये पूरी जयपुर चली गई यहाँ से, और अभी हम पहुँचे हैं वनस्थली निवाई। मुझे ऐसा लगा था कि ये ना हम पहुँचे हैं अभी सरदा, क्योंकि सरदा है ना चौथ के बरवाड़े के बाद में इस ट्रेन का अगला स्टॉपेज था, बट वनस्थली निवाई उतर चुका हूँ मैं यहाँ पे एक बार, वो लोग मैंने अभी तक पोस्ट नहीं किया, बट मेरे पास पड़ा हुआ है वो, मैं जब एडिट करूँगा तो उसको डाल दूंगा, और इसमें उसका आई बटन लिंक डाल दूंगा, तो अभी तो नहीं डाला मैंने वो एडिट करके, और जब भी डालूंगा पता लग जाएगा तुम्हें। उसमें मैंने वनस्थली निवाई कैसे पहुँचा हूँ एक तो वो जर्नी कवर की है, और उसके बाद में मैंने वहाँ का जो वनस्थली विद्यापीठ काफ़ी सही भाई, मतलब इतनी ज़्यादा मतलब
पढ़ने बच्चों की संख्या ही वहाँ पे बहुत ज्यादा है पढ़ने वाली, और सही जगह है, बहुत सही जगह, और अलग अलग नाम रख रखे हैं बिल्कुल हॉस्टल्स वगैरह की, अच्छी जगह है। सीधा वनस्थली निवाई के बाद हम दुर्गापुरा ही होल्ट लेंगे हमारी ट्रेन, उसके बाद जयपुर, और हमें जयपुर में उतरना है, उसके बाद हम खाना खाएंगे, पर पहले जयपुर पहुँच जाते हैं, लेट ही पहुँचेंगे थोड़ा सा, अभी थोड़ा सा फोन चार्ज लगा देता हूँ। गाइस जयपुर सिटी लाइट्स, दुर्गापुरा अब आने वाला है, हमने सांगानेर सब कुछ क्रॉस कर दिया और बीच में कुछ दिखाने लायक था भी नहीं तो मैंने शूटिंग स्टार्ट की नहीं। भाई अब दुर्गापुरा जंक्शन आ गया और लोग यहाँ से भारी मात्रा में डिपार्ट करेंगे, भारी भारी मात्रा में, बाहर चल के बताएंगे, दो मिनट का होल्ड है यहाँ पे, बस ये लोग उतर जाए। बाय। तो भाई इनका भी डेस्टिनेशन आया, जय श्री राम आंटी जी। तो अब ये भी जा रहे हैं, हमें तो जयपुर जा रहा है, जयपुर से अब हम खाना वगैरह खाएंगे। तो इनको दुर्गापुरा उतरना था क्योंकि इनका जो घर है वो बिल्कुल दुर्गापुरा से बहुत पास ही है। दुर्गापुरा यार बहुत, मतलब मेरे को तो जहाँ तक लगता है ना हमारे लिए जयपुर जंक्शन से ज़्यादा दुर्गापुरा यूज वो है अच्छा, क्योंकि हमारे दोनों घर पास में मौसी के, कल में चार रेलवे स्टेशन मिल जाएंगे आपको, और ज़्यादा चार से पाँच ज़्यादा है यार। देखो मैं बताऊँ तुम्हें, एक तो सबसे पहले जयपुर जंक्शन है, उसके बाद में दुर्गापुरा है, सांगानेर है, कनकपुरा है, राजीव गांधी जो है, ऐसे करके कुछ है, तो पांच छह जो रेलवे स्टेशन है वो दिख जाएंगे तुम्हें। ये सब के सब भैया जिसको क्राउड डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए रखा गया है कि जिसको जिधर की लाइन में जाना है, यानी जिसको कोटा वगैरह जाना है तो दुर्गापुरा से ब्रॉड कर सकता है, जयपुर के उधर वाले से जाना तो कनकपुरा चले जाओ, और जयपुर जंक्शन से बैठना है तो वो तो बहुत अच्छी बात है। उसके बाद में दिल्ली वाली लाइन जो है वो राजीव गांधी जो कुछ ऐसे ही करके है, वो मेरे को उसका क्लियरली नाम नहीं पता, बट मिल जाएंगे तुम्हें यहाँ पर। राजीव गांधी वगैरह नहीं है, गांधीनगर है, अब मुझे करेक्ट याद आया, मतलब मैंने गूगल किया और उसके बाद मेरे को एकदम से हिट किया कि नहीं यार गांधीनगर है, क्योंकि एक बार हम उससे ब्रॉड कर चुके हैं, डिपार्ट और ब्रॉड शायद कुछ किया था हमने जब मैं बहुत छोटा था तब। तो मैंने सांगानेर से भी ट्रेन पकड़ ली है, कनकपुरा मैंने कभी यूज़ नहीं किया, कनकपुरा से ट्रेन निकली है ना, मैं वहाँ पर डिपार्ट किया ना मैंने वहाँ से ट्रेन बोर्ड की है, वो चल रहा है। अब हम आ गए भाई जयपुर जंक्शन, ये जयपुर जंक्शन आ गया गाइस। तो मैं पता है अभी थोड़ी देर पहले हमने डिपार्ट किया है ट्रेन से और अब हम भोजन कर रहे हैं क्योंकि 2 बजे हमारी ट्रेन है, तो थोड़ा सा रेस्ट भी करेंगे हम, भोजन कर लेते हैं। हमने यहीं पर ही एक ये नीलम कुछ ऐसे ही करके फूड RICTC का ही है कुछ, इन्होंने इनको मान्यता दे रखी है, तो हम यहाँ पर भोजन कर रहे हैं। तो क्या क्या है हमारे, एक तो बैंगन है, चावल वगैरह, दाल पनीर से खा लेते हैं हम, फिर मिलते हैं तुमसे 2 बजे जब हमारी ट्रेन आएगी। विशाखापट्टनम से भैया ये भगत की कोठी जोधपुर जा रही है, तो इसको छोड़ो, खाना खाने के बाद हम यहाँ पर आए सीधे, अब हमारी ट्रेन है ग्वालियर से जाती है जो साबरमती को अजमेर पालमपुर होते हुए, वो प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे आती है, बट आज प्लेटफॉर्म नंबर 5 पे, अनाउंसमेंट में सुन सकते हो तुम, पहुँचे हम, पहुँच गए हम 3 पर नहीं है, प्लेटफॉर्म नंबर 5 पे अभी, अब ये जाएगी तो हमारी ट्रेन आ जाएगी। हमारी ग्वालियर साबरमती एक्सप्रेस आ गई है, 2:09 पे आई है, हमारी जो थी वो वेटिंग पे चल रही थी बट कंफर्म हो गई हम जब सफर कर रहे थे तभी। इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव है गाइस, भाई भरे हुए हैं क्या लोग यार, गजब भरे हुए हैं भाई, गजब भरे हुए हैं, गजब भाई। ये सब कुछ आलम है हमारी से, आप बताओ इसमें कैसे सलाम, मतलब ये स्लीपर का रिजर्वेशन, अब स्लीपर कर रहा ही नहीं, कोई भी आके बैठ जाता है, हमारा डिपार्चर हो चुका है, मैं भी अगर मुझे नींद आती तो मैं सोऊंगा। जनरल डिब्बे से भी ज्यादा हालत खराब हो रही है, नहीं बहुत खराब हो रही, मतलब समझ में नहीं आ रहा, स्लीपर को स्लीपर का रिजर्वेशन कुछ भी हो रहा है यार, कुछ मुझे, मैंने कंप्लेंट करी है 139 पे, देखते हैं क्या होता है, पूरी ट्रेन का यही हाल है इसका, पूरी ट्रेन का मतलब देखा सारे स्लीपर्स में ऐसा ही रखा हूं। भाई लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, हमारे कोच में मत आना, हमारे में पहले ही बोलते हैं।
हमें हमारी सीट भी जगह मिल जाए तो ठीक है, मेरे को तो नींद भी आ रही है। ए मतलब नींद भी नहीं आ रही, 2 बजे बैठा था मैं, 4:18 हो गए अभी तक नींद नहीं आ रही। बस वही बात है भाई, बताना प्लीज़ अपनी अपनी जगह पहुँचाओ। बट वाकई में इंडियन रेलवेज़ को कुछ ना कुछ करना चाहिए इस चीज़ का, उन्हें एक रेगुलर स्ट्रिक्ट चेकिंग तो करनी चाहिए यार, कि ये कैसे भी किसी भी सीट के ऊपर बैठ जा रहे हैं यार। मतलब कैसे फिर रिजर्वेशन ही किस बेसिस पे हुआ है, अगर वो ऐसे ही करना है तो फिर किस बेसिस कर रहे हैं। डिससेटिस्फाइड हो भाई बहुत ज़्यादा। हमारा डिपार्चर भाई शार्प टर्न आता है भाई, अजमेर जंक्शन पर शार्प टर्न दोनों तरफ से, तो ये डिपार्चर हो रहा है। और इसके बाद ब्यावर, ब्यावर के बाद सीधा मारवाड़ जंक्शन, हमारी डेस्टिनेशन 6:10 का टाइम है, बट लेट है थोड़ी सी, तो देखते हैं कितनी बजे पहुंचते हैं। फाइनली गाइस मारवाड़ जंक्शन आ चुका है, तो ये ब्लॉग कैसा लगा तुम लोगों को? अगर अच्छा लगा है तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना, शेयर कर देना, और ऐसे ब्लॉग देखने के लिए मेरे को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं अगले ब्लॉग में। इंस्टाग्राम पे अगर मेरे को फॉलो नहीं करा है तो ये रहा मेरा यूज़र नेम, डिस्क्रिप्शन में लिंक भी है, जाके इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, वहाँ पे मैं अपडेट देता रहता हूँ कि मैं कहाँ पर हूँ, कहाँ जा रहा हूँ वगैरह वगैरह, और जिन जगहों पे घूम रहा हूँ उनसे रिलेटेड रील्स फोटोज़ वगैरह भी इंस्टाग्राम पे पोस्ट कर देता हूँ। गोरमघाट वाला ब्लॉग देखने के लिए बने रहे, अगला ब्लॉग गोरमघाट का ही होने वाला है, तो चलो कंटिन्यू करते हैं भाई। ये मेरी लाइफ की सबसे ब्यूटीफुल और बेस्ट रेलवे जर्नी है यार।